जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल बैंकिंग के विषय में। दोस्तों इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये रिटेल बैंकिंग क्या होती है, रिटेल बैंकिंग का यूज आज के समय में कौन लोग और क्यों करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिटेल बैंकिंग है ये बेसिकली एक बैंकिंग सिस्टम होता है जो कि किसी इंडिविजुअल या किसी कस्टमर के साथ यहाँ पर डायरेक्टली डील करता है। जैसे कि आज हम जो लोग कॉमनली जो हम सेविंग अकाउंट्स का यूज़ करते हैं, जब आप अकाउंट खुलवाने चाहते हैं, आप बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ करते हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, पूरा जो सिस्टम होता है, ये रिटेल बैंक के अंदर ही आता है। रिटेल बैंकिंग ही इसको हम कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर रिटेल बैंक को कई बार हम कंज्यूमर बैंकिंग या फिर पर्सनल बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। रिटेल बैंकिंग में आपको यहां पर बहुत सारी सर्विसेज इन बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिनमें सबसे पहला हो गया अकाउंट ओपनिंग। यहां पर आप अपने बहुत सारे अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं, जैसे आपका कोई सेविंग अकाउंट हो गया, FD अकाउंट हो गया, रिक्रूटिंग डिपॉजिट अकाउंट हो गया, इस तरीके के बहुत सारे अकाउंट्स को आप यहां पर ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर कार्ड फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अपने बैंक से जाकर ले सकते हैं, जिसके जरिए आप शॉपिंग करना या फिर अपने मनी को विड्रॉल करना, ये सारे जो बेनिफिट्स हैं उनको यहां से ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर जो लोन आपको मिलते हैं बैंक से, जो रिटेल बैंकिंग के अंदर आता है, जिससे आपको पर्सनल लोन लेना है, व्हीकल लोन लेना है, एजुकेशनल लोन लेना है, इसको भी यहां पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा रिटेल बैंकिंग में आपको लॉकर फैसिलिटी और यहां पर आपको चेक फैसिलिटी, ये सारी जो फैसिलिटीज हैं, जो सर्विसेज हैं, वो यहां पर आपको दी जाती है किसी भी बैंक के द्वारा किसी कस्टमर को, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं रिटेल बैंकिंग, जब कोई इंडिविजुअल किसी बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करता है। दोस्तों यहां पर आज भारत में बहुत सारे रिटेल बैंक्स अवेलेबल हैं, जैसे ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यस बैंक हो गया, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि आपको रिटेल बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों रिटेल बैंक्स हमारे सिटीज में भी पाए जाते हैं, रूरल एरियाज में भी पाए जाते हैं, और बड़े शहरों में भी, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे शहरों में भी रिटेल बैंक्स आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिटेल बैंकिंग की एक खासियत है कि ये जो बैंक्स होते हैं, ये जो सिस्टम होता है रिटेल बैंकिंग, ये कभी भी किसी बिजनेस के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील नहीं करता है। दोस्तों जब भी कोई बिजनेस अपने लिए कोई बैंकिंग फैसिलिटी लेना चाहता है तो उसको जाना पड़ता है कमर्शियल बैंक की तरफ, और वहीं पर जब भी कोई इंडिविजुअल, जब भी कोई कॉमन मैन अपने लिए बैंकिंग फैसिलिटी लेना चाहता है तो वो जाता है रिटेल बैंकिंग की तरफ। तो आप समझ गए होंगे कि बिजनेस के लिए कमर्शियल बैंक्स और किसी इंडिविजुअल के लिए यहां पर रिटेल बैंक्स, ये एक कंप्लीट डिफरेंस है जो कि रिटेल बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग को डिफरेंशिएट करता है, इनको अलग बनाता है। तो दोस्तों यहां पर मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर रिटेल बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या, कौन लोग इसका यूज करते हैं। दोस्तों और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।